नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे जेपीएससी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जेपीएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और यहाँ पे 3 साल का वैकेंसी निकाला गया एक साथ, लगभग 4 साल बोल सकते हैं, 17, 18, 19, 20 का वैकेंसी एक साथ निकाला गया है। बट यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट केवल यहाँ पे 252 पोस्ट है यहाँ पे, जिसमें से जनरल कैटेगरी 114 पोस्ट है, और अगर ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो 19, और ओबीसी के लिए 64 पोस्ट है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे वैकेंसी बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रेड पे दिया हुआ है, तो जो आप को अगर जानना होगा तो स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो सिर्फ ग्रेजुएशन आपको चाहिए, कोई भी स्ट्रीम से केवल पास भी होंगे तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्र के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ उम्र मैक्सिमम एज है 37 साल, और मिनिमम एज है आपका, मिनिमम एज 21 साल है। अदर कैटेगरी के लिए जो रिलैक्सेशन दिया जाता है 3 साल और 5 साल का, वो आपको मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे नेचर ऑफ अटेम्प्ट, तो कितने भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसमें कोई अटेम्प्ट का फिक्स नहीं है कि आप कितने ही अटेम्प्ट करेंगे, तो आप कितने भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो झारखंड के प्रॉपर निवासी है, उनको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी से या किसी भी लाभ के लिए लाभ आपको मिलना है तो आपको यहाँ का निवासी होना होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और भी इम्पोर्टेंट बात के पॉइंट को अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे नहीं दिख रहा है। सबसे लास्ट में हम चलते हैं, वहाँ पे हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिलेबस हम बाद में देख लेंगे, पैटर्न को बाद में समझेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ देखिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन 15/2/2021 से लेकर 15/3/2021 तक अप्लाई होगा, और 11:45 PM तक ही अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिएगा 15/3/2021 से लेकर 16/3/2021 तक पेमेंट कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, जो परीक्षा शुल्क होगा वो बता देता हूँ मैं, 600 रुपये होगा। जनरल कैटेगरी 600, SC ST के लिए 150 रुपये होगा। और कोई भी दिक्कत होता है तो यहाँ पे 2 नंबर दिए, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं पेमेंट से रिलेटेड या फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत होता है तो। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे और भी हम बात करें तो सिलेबस देख लेते हैं। अभी यहाँ पे एग्जाम पैटर्न के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, तो एग्जाम इसमें होगा 2 पैटर्न में होगा। जैसे कि पहले तो होगा प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो प्रीलिम्स में आपके जो भी बच्चे पास होंगे उनका 15 गुना बच्चों को आगे मेंस के लिए भेजा जाएगा, और मेंस में 15 गुना बच्चों से छटाई करके 2 गुना बच्चों को भेजा जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, फाइनल इंटरव्यू के लिए 2 गुना बच्चों को भेजा जाएगा। तो लगभग यहाँ 4000 बच्चों का सिलेक्शन होगा पहले फेज के दौरान। अगर हम बात करें कि पहले फेज का सिलेबस क्या है, तो पहले फेज का सिलेबस आप देखिएगा प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, एक जनरल स्टडी 1 होगा, एक GS2 पेपर होगा। ठीक है ना, तो GS1 पेपर जो होगा 100 क्वेश्चन होंगे, दो नंबर का एक क्वेश्चन होगा, मतलब 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जिसमें GK के रिलेटेड आपके के GK से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स ऑन गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद अगर हम बात करें तो झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, झारखंड के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 क्वेश्चन, नेशनल एंड करंट इवेंट 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद ह्यूमन राइट्स के बारे में, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, स्पोर्ट्स, उसके देख लीजिएगा अवार्ड्स, ये सब पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, उसके बाद जो GS का पेपर 2 होगा वो भी 2 घंटे का ही पेपर होगा, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 100 क्वेश्चन होगा। बट ये पूरा का पूरा क्वेश्चन झारखंड पर होगा, झारखंड का इतिहास होगा, झारखंड में आंदोलन होंगे, झारखंड की विशिष्ट पहचान से क्वेश्चन पूछा जाएगा, झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्था से क्वेश्चन पूछा जाएगा, झारखंड के खेलकूद से क्वेश्चन पूछा जाएगा, झारखंड के भूमि संबंधी कानून अधिनियम से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पर्वत, खनिज, ये सब से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी यहाँ बताया गया है। ठीक है ना, 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर का। ठीक है, आगे देखिएगा झारखंड की औद्योगिक नीति के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इनका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है ना, या नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिएगा। अब देखिएगा मेंस एग्जाम का, देखिएगा मेंस एग्जाम का अगर आप देखेंगे तो मेंस एग्जाम आपका जो होगा पेपर 1 जो होगा जनरल हिंदी और इंग्लिश होगा, 3 घंटे का समय मिलेगा, 100 क्वेश्चन आपको बनाना है।
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 300 नंबर लेके आना आपको। नो ऑप्शनल, नो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, ऑल आर कंपलसरी हो जाएंगे इसमें, ठीक है। और एकदम ये पेपर जो लैंग्वेज टेस्ट है उसका कोई भी जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो उसमें पेपर वन को लिया नहीं जाएगा, जो मेंस का पेपर वन है, पेपर टू से कैलकुलेट किया जाएगा। तो पेपर टू में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट दिया जाएगा, इनमें से कोई भी लैंग्वेज को आप सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी लैंग्वेज में आपको आता है। आपको इंग्लिश आता है तो इंग्लिश को ले लीजिए, हिंदी आता है तो हिंदी को ले लीजिए, ठीक है, तो इनमें से ले सकते हैं। उसके बाद पेपर थ्री जो हो जाएगा सोशल साइंस से, हैविंग नो डिस्टिंक्ट सेक्शन, हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई टू डिस्टिंक्ट सेक्शन, मतलब एक तो हिस्ट्री होगा दूसरा ज्योग्राफी, और इक्वल वेटेज है, ठीक है, दोनों को मिलाकर डिस्क्रिप्टिव होगा। और यहाँ पे 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 घंटे का समय दिया जाएगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव, यहाँ आपको आंसर लिखना है, तो मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव होने वाला है। उसके बाद अगर हम बात करें पेपर फोर के बारे में, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुड गवर्नेंस से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा, 200 क्वेश्चन होंगे। इंडियन इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 घंटे का एग्जाम होगा। जनरल साइंस इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट 3 घंटे का पेपर होगा, और यहाँ 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टोटल 950 नंबर का एग्जाम होगा, और यही 950 नंबर में आपका कट ऑफ निकाला जाएगा, और 100 नंबर आपका इंटरव्यू का होगा, ठीक है, तो उसको ऐड किया जाएगा, मतलब ये 1050 नंबर का टोटल एग्जाम होगा, ठीक है, इसी में से आपका कट ऑफ निकाला जाएगा। अगर कट ऑफ आप लोग को वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जेपीएससी के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको जो है यहाँ लिखा हुआ है सिलेबस आपको मिल जाएगा जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, मैं टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। और कोई भी रूल रेगुलेशन के बारे में जानना है तो आपको जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ कुछ लिखा नहीं है, कैंडिडेट हैव डिक्लेयर, यहाँ और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इस नोटिफिकेशन में इतना ही था। सब चीज़ मैंने आप लोग को बता दिया कि 600 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी लगने वाला है यहाँ पे, प्लस में बैंक चार्ज भी लगेगा, ठीक है, तो 600 साढ़े 600 ऐसे ही कुछ लगने वाला है, और नॉन रिफंडेबल होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहा, और कुछ भी आप लोगों को जानना होगा तो कमेंट करके मुझे प्लीज़ बताइएगा, मैं आप लोगों को जरूर कमेंट कर रिप्लाई करूँगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोगों का काफ़ी अच्छा रहा, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।